गोल्डी घर चला गया, तेरा मन लग रहा है, तेरा चेहरा ही बता रहा है, है ना। मतलब मैं भी ना चाह के भी खुश नहीं हो पा रही, ऐसा लग रहा पता नहीं कोई कुछ छीन के ले गया हो। बहुत कोशिश करी, उसका बैग छिपा दिया मैंने, वो साला रुक के ना दिया। मैंने उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी बट वो रुका ही नहीं, उसका बैग भी छिपाया, लेकिन मुझे उसके चेहरे से लग गया था कि उसे जाना है बहुत। मेरे को लगा फिर कभी चिड़चिड़ा था और गुस्से में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, उसका पता ही चाहिए गुस्से में जब वो आता फिर मैं सोचता क्या कह रहा। तो मैंने हाँ इससे मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने बनाई है आज लौकी, ये देखो ये कैसा ट्राई मार रहा। हाँ भाई क्या बात है, सिस्टम हैंग कर देंगे। ये धनिया रखा है कटा हुआ, धनिया में ना लौकी का जो टेस्ट है, मतलब एक धनिया में जो लौकी डालते हैं ना हम लोग ऐसे खाते हैं मैश कर। गाइस मैं आज आपको अपनी दुख भरी कहानी क्या ही बताऊं। मैंने ना कल शूट किया था है ना चाप का, कल गोल्डी ने चाप बनाई थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, लाइक वो कैमरा ऑन नहीं हुआ या क्या बात थी या कोई डिलीट विलीट करने में, क्योंकि आज फोन बहुत हैंग कर रहा था तो मैं थोड़ा सा कुछ डिलीट किया, पता नहीं राम जी वो कहाँ ही चला गया। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ। मैंने कहा चलो छोड़ो, रह गया तो रह गया। और मैंने कहा दो चीज़ें बड़ी बुरी सी हो गई कि तो गोल्डी चला गया और उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, बहुत अधूरा वक्त लग रहा है। गोल्डी देख रहा था कमेंट करके बता दे। और प्लस मेरा ब्लॉग शूट करा कराया गायब, इसे कहते हैं मतलब डबल 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 सैडनेस है ना। खुशी तो साला कोई आती नहीं है पर हाँ दुख तीन चार अपने साथ लेके आते। ब्लॉग ही पीस रही हूँ, उसके बाद एक दो रोटी खाएंगे, उसके बाद तो खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा, खाने का भी मन नहीं कर रहा। गोल्डी को तो लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी आता यम्मी यम्मी खाना खाएगा आज। वेरी वेरी सैड, सीरियसली शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है मुझे। कट कट किया बता रही है ओ भी। देखो इस लाउंडे को चाय नहीं है, क्या बात है भाई। हाँ वो भी रहने दे बेटा, मत कर सब्जी। देखो क्या कमाल करके धनिया के साथ, आए हाय 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 यम। गोल्डी कैसी लग रही है, हा 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 गोई हो छुटकी। ये देखो अपनी मासी के साथ बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं। ओ भी आप क्या कर रहे हो बेटा, गोई तो होमवर्क कर रहा है और आप क्या कर रहे हो छुट्टी। अभी रहने दे, दिन में करा देना, अभी क्यों परेशान हो रही, कल शाम को ट्यूशन की छुट्टी है इसकी। बेबी अभी रहने दो, चलो अभी आप ना पहले सो जाओ, आप अच्छे से नैप नहीं लेते। वो करा मैं करूंगा, खुद करूंगा, दूसरी कॉपी में कर दो। ये मैंने नहीं लिखा, इसने खुद से लिखा है, पूरा 26 तक लिखा है इसने। मैं ये जब भूल जाता है कि मैंने 5 किया कैसे, तो 6 कैसे, तो फिर पेंसिल दे तो मैं इसको बता दी। ये वाला गोल्डी गोयू, मैं गोल्डी गोयू हमेशा गोयू। मुझे बता तुझे मामा की याद आ रही, मामा ये ब्लॉग देखेंगे, मामा को क्या बोलोगे बताओ। वो मामा को ये बोलेगा म्याऊ गोयू। मामा के लिए कोई मैसेज, मामा के लिए कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो, मामा आ जाओ बोलो, मामा मेरे बर्थडे से पहले आ जाना। गोयू मैं बोलो चली जाऊंगी, देख सुन मेरी बात सुन, मासी भी जा रही फिर आपके बाद, मासी भी जा रही, मामा तो चले गए, मैं बर्थडे के बाद चली जाऊंगी आपके, फिर आप किसके साथ खेलोगे। उसके साथ मम्मी के साथ मम्मी को काम नहीं है मेरी। ये तो कितना गंदा है। ओ भी आप मामा को कोई मैसेज देना चाहोगे, यार मुझे यहाँ बिठा ले पहले, तो मैसेज तुझे तो बाद में दूंगा। मामा को किसी कर दो, अच्छा मामा को किसी कर दो, बता इसे मामा को किसी कर दो, मामा किसी ऐसे कर दो मामा के लिए, ऐसे कर दो मामा के लिए। गोल्डी कैच कर ले, गोल्डी कैच कर ले।
गोई आप भी मामा के लिए किसी भेजो, बोलो मामा जल्दी आ जाना मेरे बर्थडे से पहले, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं नाराज हो जाता हूँ, फिर मैं बात भी नहीं करूंगा, फिर कद्दू कर लूंगा। अरे छोटे तुझे क्या प्रॉब्लम है इसके सामान से, कर दिया मैंने लॉकी वॉकी ना पकड़ थोड़ा सा, बाकी कल कर, वेरी नाइस, बाकी कल कर लेना, आप कर लेंगे। कर लेंगे। ये भी नीचे काफी अच्छा लिखता है। बहुत समझदार है मेरा बेटा है। आ जाओ। ये देखो। बोल के तुम्हें गोल्डी की याद आ रही है? तुम गोल्डी को कोई मैसेज देना चाहोगे? बोलो जल्दी। गोल्डी के लिए कोई मैसेज? गोल्डी के लिए। तुम्हारा गोल्डी चरी लेके आ रहा है तुम्हारे लिए। शट अप। ये जब जगह गंदी बोलेंगे। और मेरी तरफ से गोल्डी के लिए मैसेज, आई मिस यू सो मच कि मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में कितना, बहुत ज़्यादा, इतना तो मुझे लग रहा है मुझे भी विदाई में भी फील नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है, बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत दर्द है। जब मुझे कोई खुशी देना आता है तो मैं उसे पकड़ कर लेती हूँ, जब वो जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती है ना, क्या ही कर सकते हैं। चलो ज़्यादा मैं थोड़ा डिप्रेशन में पहुँच जाऊँगी, इससे पहले मैं आपको बाय बाय टाटा बाय बाय कर देती हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं सच में लंबा नहीं खींच सकती, क्योंकि जो मेरी क्लिप्स थी वो हो गई है गायब मेरे फ़ोन से। मेरे साथ सारे सियापे होते हैं, दुनिया के सारे सियापे सिर्फ मेरे साथ ही होते हैं, सारी बुरी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही होती है। रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है, फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।